तो गाइस फाइनली हमको 400 टोकन्स मिल चुके हैं और अभी इस परमानेंट लेजेंडरी आउटफिट को रिडीम करना होगा और भी आसान। दोस्तों फाइनली हमारे गेम में आ चुकी है एक न्यू इवेंट जिसके अंदर आपको मिल रहा है एक परमानेंट लेजेंडरी आउटफिट जिसका नाम है स्की चैम सेट और उसके साथ में एक UMP-45 भी है जिसका नाम है प्रिसाइज मशीनरी UMP-45। अब मजे की बात यह कि आप इसको कलेक्ट करो इससे पहले ये इवेंट एंड हो जाएगी क्योंकि भाई यहाँ पे इसको आपको लेने के लिए 41 डेज वेट करना पड़ेगा और इस इवेंट की एंड डेट है 14 अक्टूबर। तो भाई यार कैसे आप इस इवेंट के एंड होने से पहले इन चीज़ों को कलेक्ट कर पाओगे और उसके साथ यहाँ पे इसको लेने के लिए जो टोकन की जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टोकन आप किस तरह से कलेक्ट कर पाओगे ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये फर्टल कॉन्टिनेशन नाम की इवेंट है एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरा ही तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कमलेश्वर आप देख रहे हैं गेम एक्स क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों चल रहे फटाफट से इस इवेंट के अंदर और कैसे आपको BGMI और PUBG दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कैसे यार एक नहीं दो दो इवेंट एंड हुई है और मतलब ऐड हुई है और दोनों के अंदर कैसे यार यहाँ पे कहाँ गई सेकंड वाली। ओके ये रही तो भाई यार ये रॉयल पास जो भी लोग परचेस करने वाले थे यार यहाँ पे मैंने लोचा कर दिया सुबह जब इवेंट आईडी हुई थी। तो आपको क्या करना है भाई इसके अंदर मतलब पूरे देखो यार अगर आप BGMI खेल रहे हो तो पता है ना इंडिया के पूरे लोग रहने वाले तो यहाँ पे कैसे यार रॉयल पास परचेस करते हो तब आपको एक टिकट मिल जाती है और अगर आप मतलब 360 UC वाला लेते हो रॉयल पास तो एक टिकट मिलती है और बड़ा वाला लेते हो तो भाई यहाँ पे आपको 10 टिकट मिलती है। तो यहाँ पे टोटल जितने भी लोग रॉयल पास बाई करते हैं उनमें से 3 विनर को निकाला जाता है तो उनमें से किसी को भी गाइस यार ये 2 प्राइज मिल सकते थे एक ये टाइटल और इसके डब्बे के अंदर कुछ तो कहीं खास है। तो भाई ये यहाँ पे मतलब जो रॉयल पास इनमें से कुछ भी मिल सकता था तो भाई यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो आप अगर रॉयल पास बाई करने जा रहे हो तो ये गलती मत करना यहाँ पे आने के बाद जो टिकट होती है उसको विड्रॉ मत कर लेना। बस मेरा तो कट चुका है आपका मत काटना ठीक है। तो यहाँ पे अभी चलते हैं हम इस इवेंट के अंदर। ये पबजी वाला जैसे कि मैंने बताया कि BGMI में भी सेम इवेंट है सारी चीज़ें सेम रहने वाली है लेकिन मेरा प्राइमरी अकाउंट इसके अंदर तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी गाइस यार देखो इस इवेंट के अंदर भाई इतनी सारी चीजें ऐड है भाई यहाँ पे मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ माल भरा है अंदर लेकिन यहाँ पे सेम आउटफिट 3 बार आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन ये टाइम लिमिटेड है 1st 7 डेज के लिए सेकंड जो है वो 30 दिन के लिए और उसके बाद है परमानेंट। लेकिन परमानेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 27 दिन और UMP-45 भी है जो भी इसके लिए आपको 41 डेज वेट करना पड़ेगा। अब एक चीज जो कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं गलती से भी ये नीचे वाली चीजों को बाय मत कर लेना क्योंकि इसको खरीदने के लिए आपको 3000 कॉइन की जरूरत पड़ने वाली है तो आप भाई एक भी कॉइन वेस्ट मत करना। और इसमें आपको बता दूं कि ये 41 डेज के बाद आपको मिलेगी लेकिन ये इवेंट 14 अक्टूबर को एंड होने वाली है तो ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं मिलेगी। ये इस इवेंट का फर्स्ट स्टेज है उसके बाद ये इवेंट मतलब चलती रहेगी तो सेकंड स्टेज जब आएगा तब ये इवेंट को भाई ये मतलब अनलॉक हो जाएगा और तब इस इवेंट में आप जो है इसको बाय कर पाओगे लेकिन आपके पास टोकन होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा टोकन आपको रखने पड़ेंगे। तो भैया आप टोकन कैसे लेने हैं तो यही जान लेते हैं। देखो जब आप इसके अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको कॉइन्स छोटा सा 0 दिख रहा होगा ऊपर देखो राइट में तो वहाँ पे आपको प्लस का एक साइन मिलेगा उस पर प्लस पे क्लिक करते आप यहाँ से टोकन्स को बाइक कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स क्लिक करें और 200 सिल्वर फ्रैगमेंट से आप यहाँ पे 400 जितने मतलब कॉइन्स को रिडीम कर पाएंगे तो रिडीम पे क्लिक करते हैं और गाइस फाइनली हमको 400 यहाँ पे रिसर्च सप्लाई टोकन मिल चुके हैं। तो भाई यहाँ पे आप भी ऐसे टोकन को कलेक्ट कर सकते हो और 400 तो हो गए। अभी कैसे इस परमानेंट आउटफिट को लेने के लिए आपको 3000 टोकन्स की जरूरत पड़ने वाली है। हमने लीक्स में देखा था कि इसके लिए 3000 टोकन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए गाइस यार 1500 या फिर इसके लिए पता नहीं अभी मुझे लेकिन मतलब भाई यहाँ पे आपको ऐसे 400 टोकन्स मिल जाएंगे और बाकी कहाँ से मिलेंगे तो बाकी गाइस यहाँ पे आपको मिशन का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर देखो राइट साइड में डेली मिशन लिखा है। तो यहाँ पे गाइस यार आपको डेली मिशन आप जैसे गेम को ओपन करोगे डेली तो आपको 2-2 टोकन यहाँ से आपको मिलते रहेंगे तो यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। और बाकी का आपको सिंपली मिशन कंप्लीट करना है जैसे कि यहाँ पर रैंडम सैंपल लिखा है तो इन रैंडम सैंपल में क्या होगा कि गाइस आपको कुछ ना कुछ मतलब आड़ा टेढ़ा मिल जाएगा। भाई यहाँ पे देखो ये दिख रही है ना फॉल्टी चिप उसके साथ ये वाइन और भाई यहाँ पे ये यार्लिक तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको गेम के अंदर से मिलेंगी। मतलब गाइस आपको पता है हमारा न्यू क्लासिक मोड आ चुका है जिसके अंदर यहाँ पे फ्लोरा मैनस नाम का भाई इवेंट ऐड कर दी गई है। तो जब भी आप क्लासिक मोड खेलने जाते हो तो आप इसको अप्लाई कर दें मतलब इवेंट के साथ ही खेलें तब गाइस यार वहाँ पे कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे गाइस आपको बहुत ही भारी मात्रा में लूट मिलती है और वहाँ पे गाइस यार आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी मतलब जहाँ पे भी हॉट ड्रॉप है ज़्यादा मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी लूट मिलती है वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा मिलेंगी तो इनकी मदद से भी आप कॉइन को रिडीम कर सकते हो। आप कैसे करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन सबसे पहले गाइस यहाँ पे डेली मिशन में देख लेते हैं। डेली मिशन में क्या है गाइस आपको बस 7000 मीटर ट्रैवल करना है और रिवाइव करना है टीममेट्स को और ऐसा लाइक देना है तो आपको ये मिल जाएंगे। और इन डब्बे के अंदर क्या है वो तो मैं आपको बता दूंगा गाइस यार डब्बे के अंदर से आपको यही मिलेगी जो चीज़ें मैंने बताई है फॉल्टी वाइन चिप तो ये चीज़ें इस डब्बे के अंदर से आपको रैंडमली कुछ भी मिल जाएगा। अभी चलो यहाँ से तो आप टोकन्स भी ले सकते हो और ये जो आपको चीज़ें मिलेंगी उनको सेल करके और भी टोकन्स ले सकते हो। कैसे जैसे अगर आपके पास देखो मैं मैच में गया था
तो मेरे पास ये कुछ पड़े हैं यूनिट, तो भाई दिखा देता हूँ आपको इन्वेंट्री के अंदर। भाई अगर आप देखो ये रहे, ये आपको मैच के अंदर से मिल जाएंगे, तो इनको कलेक्ट कर लेना। और ये एक्सपायर भी होंगे गाइज, देखो 27 दिन इसकी टाइम वैलिडिटी लिखा है, तो इससे पहले पहले आपको इसको रिडीम कर लेना है। और मुझे ऐसे ही कुछ मिला था, तो वही कहाँ गया, चलो एक ही था क्या या फिर और भी कुछ। ओके ये रहा, देख सकते हो यार्लिक भी मिला है मुझे, और यार्लिक है या फिर यार्ली, ओके जो भी है भाई यहाँ पे आप देख लो, फॉल्टी चिप भी है। तो एक एक ये है और दो मेरे पास ये है। तो अभी गाइज यार इनका यूज़ कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आप इनको सेल कर सकते हो यहाँ से, और सेल जब करोगे तो यहाँ पे सबकी खुद की अलग अलग वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो एक की वैल्यू 12 है, और भाई यहाँ पे इसकी भाई यहाँ पे मतलब 5 है, इसकी 2 है। तो मतलब भाई यार लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो माई सैंपल्स जहाँ पे लिखा है वहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फॉल्टी चिप की वैल्यू 2 और इसकी 5 और इसकी 12 है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। तो गाइस ये अभी मतलब ये चल रहा है यहाँ पे यार्लियो चल रहा है। तो गाइस यार मतलब यहाँ से आप सेल करके रिडीम कर सकते हो, एक करके भी दिखा देता हूँ। ओके तो चलो एक पे मैंने क्लिक किया और सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 टोकन्स और मिल गए। ऐसे करके आप मतलब करते कर सकते हो, और आप ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड में जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू अभी देख सकते हो यहाँ पे वाइन की चल रही है, और गाइस यहाँ पे इस फॉल्टी चिप की चल रही है 12। तो यहाँ से आप चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे बस सिंपली ट्रेड पे क्लिक करना, और ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप चाहो तो भाई यहाँ पे सिलेक्ट करो अमाउंट को, और उसके बाद भाई आप जो जैसा चाहो मतलब ट्रेड भी कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप मतलब जितने भी मिलते हैं उनको सेल करो, और सेल करने के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कैसा रूल्स में अगर आप देखोगे तो लिखा है भाई अ मिस्टीरियस मर्चेंट अपीयर्स एवरी वेडनेसडे एंड संडे। तो भाई यार बुधवार और रविवार को गाइस आपको यहाँ पे एक स्पेशल मर्चेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको ये सैंपल मिल रहे ना, ये बॉक्सेस वही क्रेट है, मैंने बताया इसके अंदर से आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ये वाइन फॉल्टी चिप। तो ऐसा ही इस मर्चेंट की तरफ से गाइस आपको कुछ ऐसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनको भी आप ओपन करके या फिर उनकी मदद से भी और टोकन्स ले सकते हैं। तो मैंने बता दिया 400 टोकन यहाँ से ले सकते हो, उसके साथ बाकी डेली मिशन से, और इन क्रेट्स के अंदर से भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी वाइन फॉल्टी चिप। और इन चीज़ों को आप सेल करके भी ले सकते हो, और उनको चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो। भाई आप मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उसको एक दूसरे से सेल कर दो, मतलब देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको चलो ये तो नहीं ये करता है, और इसको 1 पे कर देता है। ओके अभी ये है मेरे पास, 1 पे क्लिक किया, अभी ओके करूँगा तो यहाँ पे गाइस सक्सेसफुली सेंड। तो उनको जिनको भी आप करते हो उसको सेंड हो जाएगा ये, और ऐसे करके भाई ये मतलब आप इनमें ट्रेड भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और गाइस यहाँ पे आप भाई जब तक इवेंट चलती है तब तक ऐसे करते रहो, और गाइस याद रखना कि जब भी इवेंट एंड हो उससे पहले पहले आपके पास ये चीज़ें नहीं बचनी चाहिए। आप या तो उन्हें सेल कर दो, या तो भाई मतलब ट्रेड करके भाई आप एक्सचेंज वगैरह जो भी करो, लेकिन टोकन्स कर देना उनको कन्वर्ट, और टोकन होने चाहिए आपको, क्योंकि बाद में आप टोकन से ही ले पाओगे। और गाइस यहाँ पे जब भी इवेंट एंड हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होगी, तब से आप इन चीज़ों को कलेक्ट कर पाओगे। तो उप करता हूँ आप समझ गए होंगे, यार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझता हूँ, लेकिन भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हो। और भाई यहाँ पे बताओ कि भाई ये आउटफिट कैसा लगे आपको, सिर्फ 2 आउटफिट के लिए इतना सब कुछ करना है, लेकिन वैसे भी आप फ्लोरा माइनस मोड खेलोगे तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगे। तो यार क्या ही झंझट है, बस गेम को ओपन करो और आके भाई यहाँ पे सेल करते जाओ, या तो ट्रेड कर दो, और कुछ नहीं, और वैसे खेलोगे ही तो भाई यहाँ पे आपकी ये मिशन तो कंप्लीट होने ही है। तो जो भी दिखता है बस करते जाओ, अगर कुछ समझ नहीं आया तो बाकी आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो। दोस्तों बस यही थी हमारी फटल कंटिन्यूएशन नाम की इवेंट, कर दी मैंने एक्सप्लेन, अगर कोई भी डाउट है तो बता सकते हो आप। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे गेम के अंदर, क्योंकि काफी लोग मुझे यार इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि यार गेम ओपन करने के बाद भी यहाँ पे मतलब ओपन ही नहीं हो पा रहा, रॉयल पास नहीं शो कर रहा है, फिर और कोई भी दिक्कत आती है तो बस कमेंट में लिखकर बताओ, आपके कमेंट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो बस कमेंट करते रहना, और वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक तो बनता है, चैनल पर करने हो तो सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर देना। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।